हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको UP SSC के कुछ अपडेट के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें UP SSC में क्या चल रहा है और UP SSC में जल्द क्या होने वाला है। तो चलिए, पुरानी भर्ती और नई भर्ती और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम को लेकर के जो भी अपडेट है UP SSC का, उसको हम इस वीडियो में बताएँगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, पहला जो अपडेट है, करक ANM रिजल्ट अभी भी फाइनल नहीं बन पाया है। इस हफ्ते के लास्ट यानी 2-3 दिन आयोग में UDA NDA का एग्ज़ाम है, में बिजी रहेगा, इसलिए ANM रिजल्ट जो है 19 से 21 जुलाई में आ जाएगा। यानी ANM का रिजल्ट जो लोग सोच रहे थे कि 10 से 15 के बीच में आ जाएगा, वह रिजल्ट अब जो है, क्योंकि 17 तारीख के करीब UDA LDA और सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर है और उसके बाद जो नेपाल का पेपर है, लेकिन नेपाल के पेपर के लोग अभी संशय बना हुआ है। उसके बाद भी 19 से 21 जुलाई के बीच जो है ANM की भर्ती का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट। करक UDA LDA एडमिट कार्ड नोटिस 99% अदरवाइज कल, यानी UDA LDA की जो नोटिस है आज कल में आ जाएगी। करक लेखपाल एडमिट कार्ड की नोटिस 18 से 19 जुलाई के बीच में आएगी। लेखपाल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में अपडेट जो है वो 18 या 19 जुलाई को अपडेट कर दिया जाएगा। करक ANM का रिजल्ट फाइनल बनते ही नेक्स्ट वीक से जूनियर स्टैंड 2019 के डाटा फीडिंग शुरू हो जाएगी। यानी जो ही ANM का रिजल्ट आ जाएगा, वह जूनियर स्टैंड 2019 का काम शुरू हो जाएगा। जूनियर स्टैंड 2019 और 16 के एक साथ अगस्त में पूरे कर दिए जाएंगे। यानी जूनियर स्टैंड की जो भी भर्तियाँ पिछली हैं, अगली हैं, सबको अगस्त में पूरा कर दिया जाएगा। करक लोअर 2019 में फीडिंग अब जूनियर स्टैंड रिजल्ट के बाद ही हो पाएगी। यानी जो लोग सोच रहे थे कि या धरना दे रहे थे कि उनका रिजल्ट जो है लोअर वाला वह जुलाई में आ जाएगा, तो वह समझ लें कि उनका रिजल्ट जुलाई में नहीं आने वाला है। अब उनका रिजल्ट जो है जूनियर स्टैंड 2019 के बाद ही आएगा, क्योंकि इसके बाद जो है ANM की भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जूनियर स्टैंड की फीडिंग शुरू होगी, वो तब जा करके लोअर की फीडिंग शुरू हो पाएगी। कल अगला नोटिफिकेशन एग्रीकल्चर का, टेक्निकल असिस्टेंट का आएगा और उसके बाद अकाउंटेंट का आएगा। उसके बाद भी अभी भी कोई क्लियर नहीं, यानी इसके बाद जो भर्ती है वह एक नई भर्ती आएगी जिसमें एग्रीकल्चर वालों के लिए जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट की आती है और अकाउंटेंट की आती है, तब जाकर इसके बाद जो है JEE की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद की जा सकती है। और वही देखिए बात इसमें भी कह रहा है कि जूनियर स्टैंड 2019 का फीडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा और रिजल्ट जो है 15 अगस्त के आसपास आ जाएगा। करक लोअर का रिजल्ट अगस्त के से आखिरी या सितंबर के आसपास आ जाएगा। लोअर का रिजल्ट चूँकि जूनियर स्टैंड का तो अगस्त में आएगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी फीडिंग की लोअर की, और उसका रिजल्ट जो है अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेखपाल भर्ती जो अभी तो इसके बारे में कोई अपडेट पूरी तरह से नहीं है। तो ये हो गया UP SSC का कुछ अपडेट, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जूनियर इंजीनियर JEE 2016 और JEE 2018 का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जब अभ्यर्थी जो है धरना करने गए थे तो उसमें यही कहा गया था कि 16 का रिजल्ट हम तो अक्टूबर नवंबर तक दे देंगे, लेकिन 18 का रिजल्ट इस साल नहीं आएगा। यानी अब एक धरने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतना देरी, जब तक नई वैकेंसी, पुरानी वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, नई वैकेंसी आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए सभी लोग धरना दें ताकि जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट जो है अगस्त के आसपास आ जाए और इसका रिजल्ट जो है अक्टूबर के आसपास 2018 का रिजल्ट आ जाए, ताकि नवम्बर तक जो है नई भर्ती की प्रक्रिया इसी बीच में शुरू हो जाएगी। लेकिन आयोग इस समय जूनियर इंजीनियर के बारे में कोई अपडेट जारी नहीं कर रहा है कि वो कब तक इसके बारे में फीडिंग कर कार्य होगा क्या नहीं होगा। अभी जाकर के कल जो है ड्राफ्ट मैन का आंसर की जारी की गई है और ASO की भी आंसर की जारी की गई है।